अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कम ऑन एवरीवन, लेट्स डांस। एकांश चलो ना, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एकांश को यह सब करने की जरूरत क्या है? वही सवाल तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है फूफा जी। बेटा मेरे लिए भी एक जूस लेके आओ। अरे फूफा जी, आपको भी जूस मिल जाएगा, थोड़ा सबर करो। हंसनी, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन अब तब तक डांस कर सकते हैं। नहीं, वो दरअसल मुझे थोड़ी कमजोरी है। अरे तो तुम्हें काम करो ना, ये जूस पी लो, थोड़ा बेटर लगेगा। उतरेगा मुखौटा। अरे लास्ट स्टेप तो खत्म करो। अभी तुम्हें बैठने लगे? मुझे जलन हो रही है। पता नहीं। मेरे हाथ बहुत चल रहे हैं फूफा जी, मेरे हाथ चल रहे हैं। मेरे हाथ चल रहे हैं फूफा जी। मुझे चेहरे पे जलन हो रही है। सुनिए क्या? मेरा पूरा शरीर जल। मेरा पूरा शरीर जल। मुझे पूरा जल रहा है। जलेगी, मैंने जूस में केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग मिलाया था, अब तो तू खुद अपने आप को बेनकाब करेगी। विक्रम,
इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ इसे। अरे रुको, इसको डॉक्टर के पास भी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पूरा शरीर जल रहा है ना, मेरे पास एक सोल्यूशन है। जल्दी करो प्लीज। क्या कर रहे हो? ये तो महक की भूत है। अरे भूत कैसे हो सकती है? अगर भूत होती तो एकांश कैसे हाथ लगाता उसे? लेकिन ये जिंदा कैसे है? एकांश, ये जिंदा कैसे बच गई? तुम्हें पहले से ही मालूम था कि ये महक है? नहीं, मैं नहीं जानता था। पहले तो बच गई, लेकिन अब नहीं बचेगी। तुझे क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, छोड़ो मुझे। खून खराब है? नहीं, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर ऐसा किया तो हमारी शादी के लिए अपशगुन होगा। छोड़ो इसे। रानी दीदी, चाची जी, इसे घर से बाहर निकालिए। ये इस घर में नहीं रहेगी। सोचना भी मत। आप लोग रुक क्यों गए? निकालिए इसे घर से बाहर। इसका मुझ पर और इस घर पर कोई हक नहीं है। हक है। मैं अभी भी एकांश अग्निवंशी की पत्नी हूं, जिसे धोखे से एलिमनी के कागजों पर साइन करवा लिया गया, वो भी बिना एलिमनी के।
तो मैंने कोर्ट में आपकी आधी प्रॉपर्टी एलिमनी के तौर पर मांगी है। जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं कोर्ट में जाकर इस धोखे से लिए गए तलाक को भी खारिज करवा दूंगी और पुलिस केस करूंगी कि आप लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया। महिला सहायता केंद्र जाऊंगी, आप लोगों की जिंदगी नर्क बना दूंगी और पुलिस को यह भी बताऊंगी कि आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की है और आप लोगों ने तो इतने कांड किए हैं कि किसी ना किसी में फंसना तो आपका निश्चित है। वाह, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि कोई तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाल सके। क्यों रहना है तुम्हें इस घर में? घर के बाहर जाओ, बाहर जाके मुकदमा लड़ो ना। या फिर तुम इस घर में रहकर एकांश को फिर से पाना चाहती हो? नहीं, मुझे मिस्टर अग्निवंशी नहीं चाहिए। इन्होंने धोखे से मुझसे तलाक के पेपर्स पे साइन करवाया ना, इसका मतलब ये मुझसे प्यार ही नहीं करते। और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है वो रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिएगा विक्रम जी, लेकिन अब आपको तो मेरा जवाब मिल ही गया होगा। कोई तो सबूत होगा जिससे पता चल सके कि तिशा ने ऐसा क्या किया कि मिस्टर अग्निवंशी उसकी सारी बात मानते। ये कौन सी दवाई खा रही है? तुम यहां क्या कर रही है? तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है और त्रिशा अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये कोर्ट कचहरी का ड्रामा बंद करके यहां से चली जाओ। क्यों जाओ? क्यों जाओ मैं मिस्टर अग्निवंशी? मुझे तो आपका तरीका ही नहीं समझ आ रहा। कैसी परवाह है आपकी?
मेरी इतनी परवाह कि मुझसे धोखे से डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करवा लिया और अब तिशा से जाके शादी कर रहे हैं। मुझे तकलीफ ना हो इसलिए मुझे दुगना दर्द दे रहे। फिक्र करने का कौन सा तरीका है? आप तो पहले से ही त्रिशा के हाथ की कठपुतली हैं, तो फिर उसे मेरा चेहरा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बोलिए बोलिए मिस्टर अग्निवंशी, अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं इस खिड़की से कूद के अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसे उस नजर से देखूं जिस नजर से मैं तुम्हें देखता था। मैं उससे वैसा प्यार करूं जैसा मैं तुमसे करता था। और अब क्या कुछ बदल गया? आपको मुझे देखने का नजरिया ही बदल गया। खैर, आपको पता है जिस त्रिशा से आप शादी कर रहे हैं ना, वो कितनी खतरनाक है। उसने जिससे तंत्र विद्या ली थी उसी को मारा उसने। तुम्हें क्या लगता कि वो पुलिस से कोर्ट कचहरी से क्यों बची हुई है? किसने बचाया उसे? मैंने। ये सब जानते हुए भी पूरे होश और हवास में मुझसे शादी करने वाला हूं। खुश जाओ यहां से। मैंने बोला जाओ यहां से। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और पलट कर कभी मत आना। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं महक बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ बेटा, बताओ कैसे याद किया? सब ठीक है? सब ठीक है डॉक्टर अंकल, मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। मैं आपको एक दवाई की फोटो भेज रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस चीज की है? बेटा ये दवाई तो किसी दिमागी रूप से बीमार पेशेंट के लिए होती है, उनका दिमाग शांत करने के लिए। हेलो 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 डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, नेटवर्क में नहीं हो क्या? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं नेटवर्क में आती हूँ। हेलो हेलो, इस तरफ तो नहीं जा सकती, इस तरफ तो घर वाले हैं, इस तरफ जाती हूँ, यहाँ शांति होगी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो ये कैसा दरवाजा है और इस दरवाजे पे ताला क्यों?
मिस्टर अग्निवंशी। विक्रम जी, आपके हाथ से खून बह रहा है। मैं इसे पकड़ता हूँ, तो अपने पैर छुड़वाओ जल्दी और जाओ यहाँ से। लेकिन आपको इस चक से लग जाएगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम जाओ जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। विक्रम जी, मैं ठीक हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। तुम ठीक हो? आपके आपके हाथ से खून बह रहा है। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है, इतना सा खून क्या है।